नमस्कार, एक मुलाकात हमारे इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। एक बार फिर चुनावी बिगुल बज चुका है और लोकसभा चुनाव जीतने के लिए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। ऐसे में भला कांग्रेस पार्टी कैसे पीछे हट सकती है? जी हाँ, आज इन्हीं विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय ठाकुर जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए उनकी तैयारियां कैसी चल रही है। धनंजय जी, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार धनंजय जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आगामी लोकसभा जो चुनाव है उसमें सभी 11 सीटों में जीतने के लिए सभी राजनीतिक दल बहुत ही सक्रिय हैं, तो कांग्रेस पार्टी की किस तरीके से तैयारियां चल रही हैं? देखिए पूजा जी, विधानसभा चुनाव में जो छत्तीसगढ़ की जो स्थिति थी, कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार, अराजकता, युवाओं के हाथ में रोजगार नहीं था, किसान आत्महत्या कर रहे थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी और छत्तीसगढ़ के जो वन संपदा है उसको लूटने का भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा हो रहा था। और लगातार जो किसानों की हम बात जो करते हैं, जो सरकार थी पहले 15 साल तक, वो किसान को डेवलप करने की बात करते रही है और किसान के नाम से बहुत सारी योजना बनाने के बाद जिस प्रकार से वो अपने समर्थित उद्योगपतियों को फायदा पहुँचाई, इससे जनता व्यथित थी। कांग्रेस पार्टी ने लगातार इस विषय में सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा। उसके बाद जब विधानसभा चुनाव आए तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने यहाँ की जो परेशानियाँ उसको पहचाने, यहाँ किसान, युवा और महिलाओं के बीच में गए, उनको समझ में आया कि हमको योजना बनानी है। और किसानों का कर्जा माफ़ी का मसला हमने जब विधानसभा चुनाव में लाया और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व से घोषणा की, उसके बाद 15 से 15 हुआ है। तो निश्चित तौर पर जो सरकार काम करेगी और इसके लिए हमने टाइम लिमिट तय किया था, 10 दिनों के भीतर हमारी जो सरकार बनेगी और 10 दिन के भीतर हम किसानों का कर्जा माफ़ नहीं करेंगे। तो मुख्य हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो स्पष्ट बोले थे कि मुख्यमंत्री को बदल दूंगा। बहुत बड़ी बात, मुख्यमंत्री को बदल दूंगा, मतलब जनता के काम करने वाला व्यक्ति चाहिए। तो निश्चित तौर पर माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी शपथ ग्रहण करते हैं और 2 घंटे के भीतर जाकर किसानों का कर्जा माफ की घोषणा के पहली फाइल पर साइन करते हैं। और आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ के 20 लाख किसान परिवार खुशहाल है। जो किसान रमन सरकार के दौरान हताश था, परेशान था, नाराज था, उदास था, उसके परिवार में खुशियाँ नहीं थी। दिवाली भी अगर आए तो किसान उदास दिखता था, होली भी अगर आ जाए तो दुनिया रंग खेलती थी, भारतीय जनता पार्टी रंग खेलते थे और किसानों के चेहरे मायूसी रहता, उनके रंग चेहरे से हट जाते थे। आज 60 दिन की सरकार में वो सभी चीज़ लौट आए हैं, खुशियाँ लौट आई हैं और यही हमारी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय है। और जनता समझती है काम कौन कर रहे हैं और काम करने वाले लोग कौन हैं और सिर्फ बात करने वाले लोग कौन हैं। तो निश्चित तौर पर ये काम करने वाली की सरकार है और 5 साल से जो सरकार में बैठ के बात जो करते रहे, जो मन की बात करते हैं, जन की बात सुनते नहीं और अपने उद्योगपति मित्रों के लिए काम जो करते हैं भारतीय जनता पार्टी और उनके जो नेता हैं नरेंद्र मोदी, इसको बदलना जनता चाहिए। तो ये जो लोकसभा चुनाव के जो सीटें हैं उसमें कांग्रेस पार्टी एक क्षेत्र जीतने का दावा करती है, तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर कांग्रेस पार्टी लोकसभा चुनाव लड़ने वाली है? देखिए, हमने जब किसानों का कर्जा माफी की घोषणा किया था और जब हमारी सरकार बनी और हमने किसानों का कर्जा माफ कर दिया, तो हमारे जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे किसान आभार रैली में और उन्होंने किसानों को जो प्रमाण पत्र दिया किसानों की कर्जा माफी का, किसानों के कर्ज मुक्त होने का, और वहीं एक घोषणा उन्होंने किया था कि हमारी जब सरकार बनेगी तो मिनिमम इनकम गारंटी योजना हम लागू करेंगे। क्योंकि छत्तीसगढ़ में लगभग 45 लाख ऐसे परिवार हैं जो गरीब हैं, जिनकी आय 12,000 से कम है और उसके बाद जो योजना अभी लॉन्च हुई है और इस योजना में खास बात यह है कि इस योजना में पैसा महिलाओं के खाते में जाएगा और 5 करोड़ परिवार पूरे देश में और 20% आबादी मतलब 25 करोड़ लोगों को इसका लाभ मिलेगा। ये बहुत ही बेहतर योजना है और भारत में जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्रियों ने जो गरीबी हटाओ को नारा दिया उसके बाद उन्होंने काम किया है, तो इसमें ये बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा और 2019 कांग्रेस सरकार बनने के बाद भारत जो है गरीबी मुक्त हो जाएगा। ये बहुत बड़ी योजना है, इस प्रदेश से सम्मान करना है। में भाजपा को जो करारी हार मिली है उसके बावजूद भी लोकसभा की 11 सीटों में वो एक क्षेत्र जीत स्थापित करने की बात करते हैं, दावा करते हैं, तो उनका दावा किस हद तक सही है? देखिए, राजनीतिक दल के लोग हैं, अब भारतीय जनता पार्टी हार तो स्वीकार कर नहीं सकती है, उनकी मजबूरी है, झूठ तो बोलते आ रहे हैं, एक झूठ और नहीं सही। पर वो जनता जिनको वोट देना है उसने पहले मानसिकता बना लिया है कि हमको कांग्रेस को चुनना है और 11 लोकसभा सीटों में हम प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। जो रायपुर की हम बात कर लेते हैं, 35 साल से यहाँ सांसद रहे रमेश भाई जी,
सिर्फ चुनाव के वक्त जनता के बीच जाते थे, उसके बाद ईद के चांद तो हर साल दिखता था। ईद अगर आ जाए तो चांद हर साल आपको दिखता था, लेकिन रमेश भाई जी नहीं दिखते थे। तो ये जनता समझ चुकी है कि कौन कैसा है। और जिस प्रकार से उन्होंने चेहरा बदला है, चेहरा आप बदल सकते हैं पर भारतीय जनता पार्टी का चरित्र नहीं बदला है। ये वही मोदी की सरकार है जिसके युवा बेरोजगारी से पीड़ित है, महिलाएं पीड़ित है, और वही युवा हैं जो 2014 में रोजगार के मसले पर नरेंद्र मोदी की को सरकार के लिए वोट दिए थे। आज वही युवा फिर वोट देने जा रहा है। 5 साल में उनका रोजगार का मसला पूरा नहीं हुआ, आज भी बेरोजगार बैठा हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी का चरित्र जनता समझ चुकी है, और यही सबसे बड़ा विषय है कांग्रेस की जीत का, और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है। कोई हार तो स्वीकार नहीं कर सकता, चाहे योद्धा कितना भी कमजोर क्यों ना। सर, आपने भारतीय जनता पार्टी में चेहरा बदलने की बात की है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि कांग्रेस ने भी जो पूर्व सांसद थी छाया वर्मा, उनका चेहरा बदलकर अभी प्रमोद दुबे जी को टिकट दिया है, तो कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं ये चेहरा बदला है, तो इसका कारण क्या है? देखिए, छाया वर्मा जी आज राज्यसभा सदस्य है, उनके पास जिम्मेदारी है, और राज्य की जनता ने उनको जो जिम्मेदारी सौंपा है उस जिम्मेदारी का भी कार्यकाल बाकी है। जब तक वो कार्यकाल पूरा नहीं हो जाता और उसका जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर लेते, तब तक उनको सांसद टिकट नहीं दे सकते। तो निश्चित तौर पर राज्यसभा सदस्य है वो हैं, इसलिए उनको टिकट नहीं दिया गया, और उनके स्थान पर जो रायपुर के महापौर हैं प्रमोद दुबे जी, जिनका लगातार जनता से जुड़ाव रहा है, छोटे छोटे कामों के लिए जनता के बीच रहे हैं, और जनता का हर काम जो करते रहे, जो लोकप्रिय महापौर हैं, उनको हमने टिकट दिया हुआ है। और निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी ने सुनील सोनी को टिकट दिया है, जिनका ना तो महापौर रहते हुए कोई योगदान रहा है, न जनता के प्रति कभी उनका व्यवहार अच्छा रहा है, उनको दिए, तो ये हमारी जीत के लिए बहुत बड़ी भूमिका इसमें होगी। और रायपुर की जनता तो प्रचंड बहुमत से हमको जिता रहा है। हमको ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में हम रायपुर में सबसे ज़्यादा लीड से जीतेंगे, ऐसा मुझे उम्मीद है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने पूरे 11 सीटों के लिए नए चेहरे बदल दिए हैं, नए चेहरों को लाके सामने खड़ा कर दिया है, तो इन नए चेहरों से कांग्रेस पार्टी को कितना नुकसान हो सकता है? नरेंद्र मोदी की सरकार पूरी निष्क्रियता में निकल गई, और जिनको नए चेहरे बना के लिया है उनको भी जनता पहले नकार चुकी है। किसी को विधानसभा चुनाव में नकार चुकी है, किसी को अन्य आयोग में रहते उनकी जो निष्क्रियता है वो है। तो जिनको आप नया चेहरा बता रहे हैं, ये तो मैं समझता हूँ कि कटिंग पसंद है, डोर जनता का आगे पहले ही छूट गया है, नए चेहरे कैसे हो सकते हैं? और इसका किसी प्रकार का नुकसान कांग्रेस पार्टी को नहीं है, बल्कि जनता समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के पास नया चेहरा है ही नहीं, वही करप्ट चेहरा है, वही भ्रष्टाचार में लिप्त चेहरा है, वही जनता के साथ दुर्व्यवहार करने वाला चेहरा है, ये जनता समझ चुकी है। और कांग्रेस की जो 11 लोकसभा प्रत्याशी है उनका सरोकार जनता से रहा है, सीधा संपर्क रहा है, तो इसका लाभ कांग्रेस पार्टी को। आप ये कहना चाहते हैं कि जो 11 नए चेहरों को भाजपा यहाँ पे ला के दावा करती है जीत करने का, तो भाजपा ऐसा करके खुद अपने पैर में कुल्हाड़ी मार रही है? निश्चित तौर पर, क्योंकि मैंने कहा कि 10 सांसद छत्तीसगढ़ ने दिया था भारतीय जनता पार्टी को, उस 10 सांसदों की क्या उपलब्धि है ये भारतीय जनता पार्टी बता नहीं पा रही है। 60 महीने की नरेंद्र मोदी सरकार की क्या उपलब्धि है भारतीय जनता पार्टी बता नहीं पा रही है। आपने 2014 के चुनाव में जो वादा किया था कितना पूरा किया है भारतीय जनता पार्टी बता नहीं पा रही है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ऐसा, और जो छत्तीसगढ़ में 60 दिन की हमारी कांग्रेस की सरकार है, उस सरकार के काम के आगे भारतीय जनता पार्टी को कोई सूझ नहीं रहा है, इसलिए बहुत सारी बातें घुमा फिरा कर रही है। और जो नए चेहरे जो कह रहे हैं, वो चेहरा जनता के द्वारा नकारा गया चेहरा है, और जनता इसको जिसको पहले ही नकार चुकी है उसको लोकसभा में किसी प्रकार का वोट नहीं देगा। और छत्तीसगढ़ की जनता बहुत समझदार है, वो अपने मतदान की कीमत समझती है, और मतदान का उपयोग कांग्रेस ने करेंगे। और प्रदेश से हमने अभी प्रदेश बदला है, और यहीं से संदेश जाएगा देश बदलने का। ये जो आए दिन भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर किसी न किसी प्रकार से सवाल उठाते ही रहते हैं, तो क्या लगता है आपको कि कांग्रेस पार्टी इनको जवाब किस तरह से देगी? जो फलदार वृक्ष होता है ये बहुत सारे फल लगे रहते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो पितृ संगठन है RSS, जिनका देश के राजनीति से या देश की आजादी से या देश के डेवलपमेंट से किसी प्रकार का योगदान नहीं है, ये
कुछ तो उसके फेस पे कम नहीं कर सकते। ये लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के कौन कितने मतलब कौन से राष्ट्रीय प्रचारक यहाँ पे सभा लेने हमारे प्रदेश में आ सकते हैं? कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी हमेशा छत्तीसगढ़ आते रहे, चुनाव प्रचार करने भी आएंगे। सोनिया गांधी जी आएंगी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी आएंगे, प्रियंका गांधी आएंगी और भूपेश बघेल जी रहेंगे, टी एस सिंहदेव जी रहेंगे और वरिष्ठ नेता भी आएंगे। बहुत सारे स्टार प्रचारक छत्तीसगढ़ में आएंगे जो लगातार छत्तीसगढ़ के विषय पे मनन करते हैं, चिंतन करते हैं कि छत्तीसगढ़ का किसान की खुशहाली कैसी हो, छत्तीसगढ़ के महिलाओं की सुरक्षा कैसी हो, महिलाएँ मजबूत कैसे हो। तो सारे जो स्टार प्रचारक हैं छत्तीसगढ़ आएंगे और इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और निश्चित तौर पर जो थोड़ी बहुत दिग्भ्रमित जनता है उसका भी लाभ हम पहुँचेंगे। अगर बहुमत मिल कांग्रेस पार्टी जीतती है तो क्या प्रधानमंत्री रहेंगे? अगर जनता ने तो जनता का जनादेश मान होगा, राष्ट्रीय राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन हम गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं और गठबंधन श्रीमती भी उसमें रहेगी और सभी का सहयोग रहेगा तो निश्चित तौर पर हम प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे। बीच में ये खबर आई थी कि कांग्रेस आम आदमी पार्टी से गठबंधन करेगी और आज ही हाल ही में ये पता चला है कि आज शाम को राहुल गांधी गठबंधन से जुड़े मुद्दों को गठबंधन कर रहे हैं कि नहीं। तो क्या कहना है आपका कि आम आदमी पार्टी से गठबंधन अगर कांग्रेस सरकार करती है तो क्या वो वाकई और मजबूत हो जाएगी? देखिए पूजा, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। 60 महीने से जो नरेंद्र मोदी की सरकार उसकी तानाशाही रवैया और मनमानी और उलझुल नीति कारण जनता पीड़ित है, पूरा देश की स्थिति खराब है। नोटबंदी कारण जिस प्रकार से आर्थिक स्ट्रक्चर खराब हुआ है हमारा, जीएसटी कारण जो व्यापार खत्म हुआ है, महिलाएं सुरक्षित रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म भी नहीं आती है। चुनाव और कठुआ में दुष्कर्म की घटना होती है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो हैं उस पर दुष्कर्म का आरोप लगता है, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग उसे बचाने तिरंगा लेकर निकलते हैं तो शर्म नहीं आती है। तो ऐसे परिस्थितियों में देश को बचाए रखने की जिम्मेदारी आपके हमारी भी है। तो जितने भी विपक्षी दल के जो विपक्षी दल हैं जो देश का भला चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी सरकार को खार पीकर देश को बचाना चाहते हैं, उन समान विचारधारा का हम गठबंधन करेंगे। तो निश्चित तौर पर जब देश की बात आती है तो कांग्रेस पार्टी इसी साथ भी समझौता कर सकती है कि हमारे देश सर्वश्रेष्ठ है, देश को बचाए रखने की जिम्मेदारी अगर किसी के ऊपर सबसे ज्यादा है तो कांग्रेस पार्टी के ऊपर है, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमने खून गिराया है, हमारे नेताओं ने खून बहाया है। तो निश्चित तौर पर हम देश को बचाने के लिए और देश की जनता की सेवा के लिए गठबंधन करेंगे और जहां भी आप जब गठबंधन करेंगे वहां आपकी शक्तियाँ दोगुनी होगी, कम नहीं होगी। और समान विचारधारा जब लोग मिल जाते हैं तो काम करने में भी अच्छा लगता है, तो जहां भी हमारी गठबंधन होगी हम उसकी ताकत बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद धनंजय जी, आपने हमें इतनी सारी जानकारी। अभी हम चाहेंगे कि ये जो आपकी विचार है, सोच है, इससे वाकई हमारे प्रदेश को कुछ ना कुछ फायदा जरूर होगा। अब अपनी ओर से आगामी लोकसभा चुनाव के लिए क्या संदेश? मैं छत्तीसगढ़ के 2.5 करोड़ जनता से अपील करता हूँ, जिस प्रकार से आपने विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पे विश्वास किया, कांग्रेस को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का आपने जो बड़ा बड़ा योगदान दिया है, ठीक उसी प्रकार अब देश को बचाने की जिम्मेदारी आप पर हम पर है। आइए हम सब मिलकर कांग्रेस साथ चले और ये मनमानी करने वाली तानाशाही रवैये से चलने वाली मोदी भाजपा की सरकार को हम बदलें और प्रदेश तो हमने बदले हैं, अब देश ही बदल कर यहाँ से बहुत बड़ा संदेश है। आप सबसे आग्रह है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतदान करें, प्रेरित करें कांग्रेस के मतदान। अभी आपने सुना छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता धनंजय जी को। आगे ही हम राजनीतिक मुद्दों से जुड़े बड़े बड़े नेताओं से आपसे आपको मिलाते रहेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल nationupdate.in।